गाजा पर इसराइली फिजाइया की वहशियाना बमबारी, रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने पना गुजीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। अलमगाजी, अलशाती, जवालिया कैंपों पर रात भर बमबारी, हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। सैहूनी फौज ने अलकुद्स अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत को मलिया मेट कर दिया। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब भी बमबारी, हमास सरबरा इस्माइल हनिया के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी से गाजा का सबसे बड़ा वाटर प्लांट तबाह, प्लांट से 70,000 शहरी पानी हासिल करते थे। सहयोनी फौज के मगरबी किनारे पर भी हमले, एक घर पर गोला दाग कर 3 अफराद शहीद कर दिए। 40 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 तक पहुंच गई। इंतहा पसंद इसराइली वजीर आजम ने अमन की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। कहा, दोस्तों और दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि गाजा पर बमबारी बंद नहीं करेंगे। इसराइली यगमालियों की वापसी तक जंग बंद नहीं होगी। सबको यही पैगाम है कि हम बमबारी जारी रखेंगे। इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते बल्कि उनसे फड्डा किया जाता है। मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पुराजम है। नवाज शरीफ ने कहा, स्टेक होल्डर्स आइन में रहकर मिलकर काम करें। नून लीग के रहनुमा सागदार का इंटरव्यू, बोले पीपी समेत तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। पीटीआई ने 9 मई ना किया होता तो उनसे भी बात हो सकती थी। पीपी बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यूसी चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। यूसी 13 गिजरी से मुर्तजा वहाब 3,976 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूरुल इस्लाम को 1,566 वोट मिले। डेप्टी मेयर सलमान मुराद भी यूसी मुराद नेहमन से कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी का जश्न। और कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन 3 हफ्ते बाद 100% बहाल। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। माली बहरान और ईंधन के मसले की वजह से 3 हफ्ते में 800 से ज्यादा परवाजें मंसूख हुईं।